ओके okay, बेटा हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। ये सब्जेक्ट है हमारा। चैप्टर का नाम डायरेक्ट लेबर, सम्स वाले वेजेस। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये मनीष जो नाम लिखा हुआ है, मनीष हैज टेकन 20 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। मनीष हैज टेकन 20 आवर्स। अब ये जो मनीष हैज टेकन 20 आवर्स दिया हुआ है, ये एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मनीष। ये हमको एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है 20 आवर्स। मैंने फॉर्मेट बना के रखा है कि स्टैंडर्ड टाइम इतना, एक्चुअल टाइम इतना, टाइम सेव्ड इतना। तो मनीष हैज टेकन 20 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन इज 20 आवर्स। आगे मनीष हैज टेकन 20 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। द वेज रेट पर आवर इज रुपीज 8। वेज रेट पर आवर इज रुपीज 8। ये एक्चुअल वेज रेट है पर आवर। ये वेज रेट पर आवर 8 रुपीज। आगे आगे, if he received rupees 192 as total wages according to Rowan plan। अब ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। Rowan plan का total wages दिया हुआ है 192 rupees। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 192 rupees। तो total wages according to Rowan plan equal to 192 rupees। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है total wages according to Rowan plan 192 रुपीस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सीधी बात है, रोवन प्लान का आंसर दिया हुआ है तो हम रोवन प्लान का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वेजेस अर्नड बाय हिम अकॉर्डिंग टू एलसे प्लान एंड पीस वेज प्लान। ये तो बात की बात है कि एलसे प्लान के हिसाब से टोटल वेजेस कितना आएगा। ये बात की बात है एलसी प्लान के हिसाब से टोटल वेजेस कितना आएगा, पीस वेज प्लान के हिसाब से टोटल वेजेस कितना आएगा, वो सब बाद में। पहले रोवन प्लान का आंसर दिया हुआ है 192, तो हमको रोवन प्लान का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब दो चीजें यहाँ पे मिसिंग है, टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम सेव्ड नहीं दिया हुआ है। ये दो चीजें नहीं दी हुई है। तो यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि ये जो दो चीजें नहीं दी हुई है, इनमें से कोई भी एक चीज को आप ए सपोज कर दो, ए या एक्स या वाई, जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैं टाइम सेव्ड को सपोज करता हूं ए आवर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं सपोज द टाइम सेव्ड इज ए आवर्स। सपोज द टाइम सेव्ड इज ए नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। ये टाइम सेव्ड को मैंने सपोज किया ए, तो एक्चुअल टाइम टेकन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। टाइम सेव्ड को मैंने सपोज किया ए, तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हो जाएगा 20 प्लस ए, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 20 प्लस ए, इन दोनों को प्लस करके ही टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड आता है। तो किसी भी एक को सपोज करो, अगर आप टाइम सेव्ड को ए सपोज करोगे तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हो जाएगा 20 प्लस ए, और अगर आप टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड को ए सपोज करोगे, अगर आप टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड को ए सपोज करोगे, उसमें एक्चुअल टाइम टेकन 20, तो टाइम सेव्ड हो जाएगा ए माइनस 20। टाइम सेव्ड हो जाएगा ए माइनस 20। तो आपकी चॉइस है, आप किसको क्या सपोज कर दे। मेरे को ऐसे इजी लगता है, मैं टाइम सेव्ड को ए सपोज करूंगा, मेरे को कैलकुलेशन ऐसे इजी लगती है। सपोज टाइम सेव्ड इज ए, एक्चुअल टाइम टेकन क्वेश्चन में दिया है 20, तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हो जाएगा 20 प्लस ए। टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हो जाएगा 20 प्लस ए। वेज रेट दिया हुआ है 8 रुपीस। अब सिंपल है, रोवन प्लान का फॉर्मूला लगाओ। रोवन प्लान के फॉर्मूला में जहां जहां पे भी टाइम सेव्ड हो वहां ए लिख दो, ठीक है। अब मैंने रोवन प्लान का फॉर्मूला लिख के रखा है, टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस। टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। ये एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर प्लस एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। ये बोनस का फॉर्मूला। तो टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान 192 रुपीस दिया हुआ है। टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान 192 रुपीस दिया हुआ है, ठीक है। मैं बाकी सारे नंबर्स डिलीट करके धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान टोटल वेजेस 192 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल टाइम टेकन आपको याद हो, एक्चुअल टाइम टेकन 20 आवर्स दिया हुआ था, ये वाला 20 आवर्स। वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आर हमको नहीं दिया हुआ है, वेज रेट पर आर हमको नहीं दिया हुआ है।
ओके मेरी गलती है, वेज रेट पर आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 8 रुपीज वेज रेट पर आर 8, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आर 8, तो एक्चुअल टाइम टेकन 20 था, ये एक्चुअल टाइम टेकन 20 मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 8, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मैंने कर दिया, प्लस यहाँ पे मेरे को चाहिए एक्चुअल टाइम टेकन, फिर से 20 आएगा, एक्चुअल टाइम टेकन 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मैंने सपोज किया था ए, तो टाइम सेव्ड आएगा ए, मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आर था हमारा 8 रुपीज, ये वेज रेट पर आर 8 रुपीज, तो 20 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, आपको याद होगा अभी अभी हमने लिखा था टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हो जाएगा 20 प्लस ए, टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हो जाएगा 20 प्लस ए, ये वाला 20 प्लस ए टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, ठीक है। अब इसको और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एल एच एस में टोटल वेजेस 192 रुपीज इक्वल टू आर एच एस में 20 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो जाएगा 160, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 8, तो 20 इंटू 8 हुआ 160, 160 इंटू ए ये हो जाएगा 160 ए, ठीक है। अब सबसे पहले ये एल एच एस में 192 सेम, एल एच एस में 192 सेम, एल एच एस में 192 सेम, आर एच एस में 160 सेम, और ये पूरा सेम 160 ए, ये पूरा सेम रहेगा अपॉन 20 प्लस ए सेम रहेगा, यहाँ पे 160 ए सेम रहेगा अपॉन 20 प्लस ए सेम रहेगा, और आगे सॉल्व करते हैं, ये जो 160 है आर एच एस में इसको सामने लेके जाएंगे एल एच एस में, तो 192 में से 160 माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 192 में से 160 पहले माइनस कर देता हूँ, इक्वल टू 192 माइनस 160, तो ऑब्वियसली आता है ये होता है 32। अब ये 20 प्लस ए जो है इसको सामने 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस ए इक्वल टू आर एच एस में ये 160 ए सेम है, सेम रहेगा 160 ए। अब ये 20 प्लस ए जो है उसको मैंने एल एच एस में मल्टीप्लाई कर दिया, आर एच एस में डिवाइड है तो एल एच एस में मल्टीप्लाई कर दिया, अब 32 को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 32 इंटू 20, 32 इंटू 20 ये होता है 640, प्लस 32 इंटू ए ये होगा 32 ए इक्वल टू 160 ए इक्वल टू 160 ए। अब 32 ए को मैं आर एच एस में लेके आऊंगा 32 ए को, और 160 ए में दे 32 ए में माइनस कर दूंगा, तो आएगा इक्वल टू यहाँ पे आएगा 160 माइनस 32 ये होगा 128 ए, मतलब 32 ए को मैंने सामने माइनस कर दिया, तो 160 ए माइनस 32 ए इक्वल टू 128 ए, और ये 640 सेम ही रहेगा 640। अब मैं ये जो 128 है इसको सामने डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 128, 640 डिवाइडेड बाय 128 इक्वल टू मेरा ए का आंसर आ जाएगा, तो ए इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 128, 640 डिवाइडेड बाय 128 होता है 5, मतलब 5 आवर्स, ये 5 आवर्स क्या आया याद करो, हमने ए किसको सपोज किया था, हमने ए सपोज किया था टाइम सेव्ड को, हमने ए सपोज किया था टाइम सेव्ड को, टाइम सेव्ड आ गया 5 आवर्स, सो द टाइम सेव्ड इज 5 आवर्स, हमारा टाइम सेव्ड आ गया 5 आवर्स। अब अगर हमारा टाइम सेव्ड 5 आवर्स होगा, अब अगर हमारा टाइम सेव्ड होगा 5 आवर्स, तो एल से पूछा है क्वेश्चन में, ई स्वेज प्लान पूछा है, वो सब आराम से हो जाएगा क्योंकि टाइम सेव्ड आ गया हमारा 5 आवर्स, ठीक है। अब ये नंबर्स याद करना, 25 तो टोटल हो जाएगा 20 प्लस 5, मतलब 25, 25 तो टोटल हो जाएगा 25, और वेज रेट है 8, ये नंबर्स याद करना क्योंकि मैं अभी एलसीए का फॉर्मूला सॉल्व करने वाला हूँ, ये टाइम सेव्ड आ गया 5 आवर्स, ओके। अभी मैं यहाँ पे एलसीए का फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, एलसीए का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, एलसीए का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस, एक्चुअल वेजेस की जगह पे एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला, टाइम टेकन इंटू वेज रेट, प्लस बोनस की जगह पे बोनस का फॉर्मूला, तो 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय वेज रेट अपॉन 100। अब नंबर्स आपको याद होने चाहिए, तो टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन है 20, सही है, वेज रेट है 8, सही है,
50 अपॉन 100 ही रहेगा। टाइम सेव्ड था 5, टाइम सेव्ड हमने अभी अभी ये रहा ऊपर फाइंड आउट किया 5, तो टाइम सेव्ड 5 मल्टीप्लाई बाय वेज रेट था 8, ठीक है। एक्चुअल टाइम टेकन 20 था, वेज रेट 8 था, ये 50 अपॉन 100 हमेशा 50 अपॉन 100 ही रहेगा एलसीए में हमेशा यहाँ पे 50 अपॉन 100 ही रहेगा। टाइम सेव्ड 5 हमने फाइंड आउट किया, वेज रेट 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले ब्रैकेट में 160, दूसरे ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, फिर 40 का 50%, तो 40 का 50% होता है 20, फिर 160 और 20 दोनों को प्लस कर देंगे। अब 160 और 20 दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 रुपीज टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू एलसी प्लान 180 रुपीज। अब इन्होंने एक और स्टेप पूछा लास्ट में, टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू पीस वेज प्लान, पीस वेज प्लान में टोटल वेजेस का फॉर्मूला। अब पीस वेज प्लान में टोटल वेजेस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, टोटल वेजेस का फॉर्मूला होता है यहां पे आएगा टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। पीस वेज प्लान का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हमने 25 फाइंड आउट किया, एक्चुअल टाइम 20 दिया हुआ था और टाइम सेव्ड 5 हमने फाइंड आउट किया, एक्चुअल टाइम टेकन 20 और टाइम सेव्ड 5 हमने फाइंड आउट किया, तो 20 प्लस 5 टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट था हमारा 8 रुपीज पर आवर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 25 मल्टीप्लाई बाय 8, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 8 ये होता है 200, तो ये हो जाएगा 200 रुपीज टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू पीस वेज प्लान। जो पीस वेज प्लान होता है उसमें यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट होता है, और एक होता है टाइम वेज प्लान, टाइम वेज प्लान में यहाँ पे आता है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, ठीक है। मैंने बताया थ्योरी वाले पेजेस में भी बहुत बार, सम्स में भी, पीस वेज प्लान और टाइम वेज प्लान। अब आंसर चेक करें, एलसीए का आंसर आया 180 और पीस वेज का 200 रुपए, चेक करते हैं 180 और 200 रुपए सही है, पीस वेज का 200 रुपए और एलसीए का मेरे हिसाब से 180 रुपीज सही है, ये रहा 180 रुपीज सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। अब लिखना शुरू करो, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं, बस एक्चुअली कब सॉल्व हो गया ये आंसर, जब हमने टाइम सेव्ड को ए सपोज किया, जब हमने टाइम सेव्ड को ए सपोज किया वही ट्रिक थी, उसके अंदर ही सारा सॉल्व हो गया, ठीक है। टाइम सेव्ड याद रखना, टाइम सेव्ड को ए सपोज करना, ठीक है। अच्छा, टाइम सेव्ड को बोनस आवर्स भी बोलते हैं, अगर आपको कभी एग्जाम में आए टाइम सेव्ड या बोनस आवर्स एक ही बात है, ठीक है, लिख लेना कहीं पे। अब मैं स्क्रॉल करता हूं क्वेश्चन 10, बस ये ए सपोज करना है वो याद करना, ये एलसी प्लान और ये पीस वेज प्लान, ठीक है, बस इतना ही है, लिखो सब लोग, शुरू करो बेटा।